देखिए, यहाँ आने के लिए आपका जितना भी खर्चा हुआ है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहरबानी करके आपकी ये सारी वस्तुएं यहाँ से लेकर जाएं। क्योंकि इस वक्त मैं ये सब खरीदने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन आपने यहां तक आने का कष्ट उठाया है तो आपको खाली हाथ तो वापस नहीं भेजेंगे। आपके पास जो सबसे सुंदर शेला होगा ना, वो आप मुझे दिखाइए। जी। अच्छा है, बहुत सुंदर है। मैं ये अपनी बेटी के लिए ले रही हूं, वो यही पहनकर दुल्हन बनेगी। इस शीले की रकम आपको मिल जाएगी। जी जी। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सासू भाई साहेब, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सरकार हमारी सारी औषधियां समाप्त हो रही है, सैनिकों की बीमारी बढ़ती जा रही है। जितना हो सकता था हमने जड़ी बूटी का सहारा लिया, लेकिन अब आगे संभव नहीं है। और सरकार, बगल वाली छावनी में कुछ सैनिक इतने जख्मी है कि उनका उपचार केवल मालवा ले जाकर ही हो सकता है, वरना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वीरू नहीं मिलेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बातों से पेट नहीं भरना है, मुझे और भोजन चाहिए। हाँ, और भोजन चाहिए मुझे, मुझे और भोजन चाहिए। खाना दीजिए हमें, भूख लगी हमें इतने खाने से। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? देखिए ना सरकार, ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं इन्हें भरपेट खाना नहीं दे रहा। कहां से दूं खाना? अनाज बहुत कम बचा है। मालवा से जो रसद आई थी उसमें से आधा तो अब्दाली की सेना ने बर्बाद कर दिया, और यही बात मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्हें एक वक्त का खाना कम मिलेगा, फिर भी ये लोग मुझसे आकर के झगड़ा कर रहे हैं। अब आप ही बताइए ना सरकार, मैं क्या करूं? भंडार घर में अभी कितना अनाज बचा है? सरकार, अगर मैं सबको भरपेट भोजन कराऊंगा तो 2 से 3 दिन ही चलेगा, उसके बाद हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। किसी को भी भरपेट भोजन तो मिलना ही चाहिए। आप पूरा अनाज इस्तेमाल कीजिए। जी सरकार, जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।